हूँ। कोटि कोटि सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक। अभी हम लोग उदावर्त के बारे में देखेंगे कि उदावर्त के बारे में जो हम लोगों ने कल देखा था कि अधोवायु का जब हम देगावरोध करते हैं तो उदावर्त हो जाता है। उसके बाद में हमने यह देखा था कि मलवेग का अवरोध करते हैं तो उदावर्त हो जाता है। तो अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि आगे मूत्र वेग अवरोध करने से क्या होता है, और हर वेग का अवरोध करने से उदावर्त होता है, केवल अश्रु वेग को छोड़ने से नहीं होता है। लेकिन उसका इफेक्ट जरूर डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और पेट तो आदमान आटोप ये सबसे होता है। अश्वेग का भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है ही हमारे चिकित्सा के, मतलब निदान करने में और चिकित्सा करने में। तो अभी मैं मूत्र वेग रोध करने से जो उदावर्त होता है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, और आप लोग भी अपने प्रैक्टिस में इसको जरूर देखिएगा। क्या ये सब बातें ना हम किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन ये बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुन के। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारे पास टाइम नहीं रहता, सारा किताब खोलो, ढूंढो और फिर रेफरेंस देखो और क्या है। जितना सुनेंगे उतना दिमाग में क्लिक होता है, और यही मैंने अपने जमदग्नि सर से सीखा है। मतलब जमदग्नि सर के पास हम जाते थे तो बहुत सारे व्याधियों की चर्चाएं होती थी, मराठी भाषा में होता था, तो उसकी वजह से प्रैक्टिस में बहुत अच्छा फायदा हुआ कि जैसे ही पेशेंट आते हैं कि हाँ सर ने इस बारे में चर्चा किया था, हाँ अब ऐसा चिकित्सा होगा, ऐसा लक्षण होगा, फिर इजी जाता है। इसलिए बहुत ये सुनना बहुत जरूरी है। जितना शास्त्र की चर्चा होती है उतना सुनना, केवल सुनने से भी बहुत सारा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मूत्र मूत्रोदावर्त जो रहता है उसके बारे में माधव निदान में क्या बताया है कि अगर मूत्र वेग का अवरोध कर दिया, जैसे कि कॉल सेंटर में लोग रहते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या किसी ना किसी काम में बिजी हैं और उनको यूरिन है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तो मोदी जी ने सब जगह टॉयलेट बना दिया है, लेकिन पहले के जमाने में इतना मतलब यूरिन पास करने का ऐसा जगह नहीं था, और वेग आ रहे हैं तो सिटी में गए तो वहां कहाँ करें, क्योंकि ऐसा बनाया नहीं था सुलभ शौचालय। तो फिर उसकी वजह से ऐसा लेडीज को भी प्रॉब्लम आ रहा था। और आप लोगों को पता है कि भारत की जो बच्चियां थी वो स्कूल जाना छोड़ देती थी क्योंकि टॉयलेट होता ही नहीं था, तो इस और टॉयलेट ना होने की वजह से उनको बीमारियां हो जाती थी, बीमार पड़ जाती थी। तो ये क्या बीमारी होती है मूत्र वेग अवरोध करने से, और उससे उदावर्त क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि उदावर्त, यहाँ पर बलून की तरह पेट फूल गया, तो ऐसा है। बस्ती में न हो शूलम मूत्र कृच्छम शिरो रुजा विनामो मक्षणानाहा साल्लिंगम मूत्र निग्रहे। मतलब मूत्र वेग का अगर विधारण किया, बहुत देर तक यूरिन को सप्रेस करके रखा, मतलब वो उसको पास नहीं किया, अब वो एक तरह से मतलब मल रूप है, मतलब वेस्ट है, लिक्विड फॉर्म में है, वेस्ट है, उसको अगर नहीं निकाला, और उसके साथ में वायु जो है जो उसको प्रेशर दे के निकाल रही है। वायु कैसे है, एक तो जो नर्वस प्लेक्सेस है वहां पे उसको स्टिमुलेट करती है, और वायु खुद इन्वॉल्व रहती है कि सारे जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जो मूत्र है उसको निकाले। अगर उसको नहीं पास करने दिया गया तो क्या होगा कि वायु विलोमित हो जाएगी, मतलब प्रतिलोमित हो जाएगी, उल्टे डायरेक्शन में जाएगी, और उसके वजह से मूत्राशय में मतलब यूरिनरी ब्लैडर में पेन होगा, यूरेटर्स में पेन होगा, किडनी पे पेन होगा, मेड प्रदेश में शूल होगा, जो यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए लागू रहता है। इसके बाद जब यूरिन पास करते हैं तो रिटेंशन ऑफ यूरिन, और या फिर बहुत ज्यादा ना पेनफुल मिक्चुरेशन, कष्ट, बहुत सकष्ट मूत्र प्रवृत्ति, बहुत मुश्किल से यूरिन पास होता है क्योंकि रास्ता जो है वह रोक दिया गया, रास्ता की वजह से सकष्ट, बहुत मुश्किल से यूरिन पास होता है क्योंकि वो चिपक जाता है थोड़ा सा, इसलिए सकष्ट मूत्र था। और इसके वजह से मूत्र वेग को धारण किया ना तो शिरा शूल होता है, हेडेक बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अपानवी सिर पे चढ़ जाती है, और उसकी वजह से सर दर्द होता है। फिर उदर शूल होता है, पेट में दर्द होता है, वो वायु इतनी शांत बैठने वाले नहीं है, वो शैतान बच्चा है वायु, अगर आपने उसको रोक दिया और आप उसको खेलने नहीं जाने देंगे, तो उसका अपना काम नहीं करने देंगे तो वो उपद्रव मचाएगा ही मचाएगा। तो इसलिए उदर शूल होगा, शिरा शूल होगा, सकष्ट मूत्रता होगा, मूत्राशय में किडनी तक में पेन होगा, मेड प्रदेश में पेन होगा, शूल होगा। उसी तरह से रोगी को सीधा खड़े होने में भी तकलीफ होती है, इतना वो पूरा जकड़ा रहता है वायु, उसी तरह से वह थोड़ा झुक झुक के चलने लगता है, इतना ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे मैंने तो पेशेंट में देखा है, वंक्षण में और वस्ती प्रदेश में आना हो जाता है, मतलब पूरा जो ग्रॉइन एरिया है वहां पे, वंक्षण प्रदेश में और कमर में और बस्ती प्रदेश में ऐसे पेट फूल गया है,
गुब्बारे की तरह हो गया है। और आप लोगों को मैं एक और चीज बताऊंगा, मेरे पास एक पेशेंट आती थी, उनके हस्बैंड सुखोई जो पायलट, सुखोई जो जहाज है फाइटर प्लेन उसके वो है मतलब इंस्ट्रक्टर हैं, वो जितने भी पायलट्स हैं ना उनको वो मतलब वो इंजन फिटर हैं। तो जैसे ये सुखोई जहाज जो है ये रशिया का जहाज है, तो रशियन के टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर आने के बाद इतने यहाँ के इंडियन एयरफोर्स के लोग जो हैं वो सीखते हैं और फिर पायलट्स को सिखाते हैं, क्योंकि पायलट्स जो रहते हैं इंडियन एयरफोर्स के वो फाइटर पायलट्स, उनको जहाज का हर पुर्जा पुर्जा सिखाया जाता है कि आपका ये कंट्रोल है, यहाँ इंजन है, वो है। तो वो अंकल जो है ना वो इंस्ट्रक्टर है, तो उनकी वाइफ आई थी आंटी, तो ये 2017 की बात है जब नोटबंदी हुआ था, उसके बाद में वो आई थी मेरे पास, तो उनका ना पूरा हार्ट जो था ना वो कार्डियोमेगाली गया था, मतलब हार्ट ना बलून की तरह फूल गया था, और उनका एक्सरे में भी दिख रहा था कि वो फट जाएगा। और उनको क्या तकलीफ क्या होता था, और उनका यही कारण था मूत्र वेगावरोध, उनका क्या तकलीफ होता था कि सोते सोते बेहोश हो जाती थी, तो ये लोग परेशान हो जाते थे कि बेहोश हो गई, सांस ले रही लेकिन बेहोश हो गई। और फिर उनका जांच वगैरह कराया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि अरे इनको तो कार्डियोमेगाली है, इनका हार्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसका तो कोई उपाय नहीं है, सर्जरी भी नहीं कर सकते हैं और हम बीपी का दवाई भी नहीं दे सकते हैं, तो वो बोले कि इनको वॉकिंग करना जरूरी है बस ये बोल के, और उन्होंने कुछ आलतू फालतू विटामिन की दवाई, आयरन की दवाई देके, कैल्शियम की दवाई देके भेज दिया, बोले इसका इलाज नहीं है, ये कार्डियोमेगाली है, और वो भी आर्मी के बड़े बड़े कर्नल और यहाँ जो ब्रिगेडियर डॉक्टर्स होते हैं वो बोले इसका इलाज नहीं है, कार्डियोमेगाली है, और कुछ प्रॉब्लम होगा अगर हार्ट फट गया तो हम सर्जरी करेंगे लेकिन गारंटी नहीं है कि वो जो बलून जैसा कार्डियोमेगाली हो गया क्या करेंगे। वो फिर मेरे पास है, और तो मेरे पास है तो मैंने उनका पूछा कि क्या तकलीफ क्या हो रही है, तो बोले कि डॉक्टर्स ने हमें दवाई दिया है कि अस्थमा, सांस फूल रहा है तो सांस की दवाई दी है, एंटीबायोटिक दिए हैं, कुछ कुछ आलतू फालतू दवाई दे दिया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। कोई डॉक्टर, उन्होंने चर्चा किया, डिस्कस किया कि इसका क्या इलाज है, डॉक्टर बोले इसका इलाज नहीं है, कार्डियोमेगाली का इलाज ही नहीं है एलोपैथी में। तो मैंने पूछा क्या तकलीफ क्या है, तो बोली कि ये ना मैं थोड़ा भी चलती हूँ, अगर 5 कदम भी चलती हूँ तो मेरा सांस फूलता है, और मेरे को तो बैठे ही रहना पड़ता है, गाड़ी से भी उतरी और थोड़ा चली तो सांस फूलता है, ये उनका कंप्लेंट था। फिर मैंने पूरा हिस्ट्री निकाला तो पता चला कि वो मूत्र वेग का अवरोध करती थी, कंटिन्यू मूत्र वेग, और क्यों, क्योंकि उनको हाइजीन बहुत पसंद है, मतलब वो ब्राह्मण है तो उनको ये पसंद है कि मैं यूरिन मतलब वहां ना जाऊं, शौचालय में ना जाऊं, और शौचालय से आने के बाद उनके दिमाग में ऐसे है कि बार बार अगर यूरिन करने जाऊंगी तो मुझे नहाना पड़ेगा, उनके माइंड में ऐसे कि मुझे शौचालय में तो जाना नहीं है, मैं शुद्ध पूजा पाठ करने वाली स्त्री हूँ और शौचालय में नहीं जाना है, उनके माइंड में ये नहीं कि अगर घी ना रहे हाइजीन मेंटेन तो पैर धो लें, हाथ धो लें, फेस धो लें, लेकिन उनको ये था कि मुझे नहाना ही पड़ेगा इसलिए मैं नहीं करूंगी। ऐसे करने में वो दिन में 2 या 3 बार ही करती थी, और जब भी आती थी तो नहाती थी, मूत्र वेग का अवरोध इतना ज्यादा हो रहा था, इतना ज्यादा हो रहा था कि वो जो अपान वायु है वह व्यान वायु को विकृत किया, और विकृत करके हार्ट को से पूरा ये कर दिया, कार्डियोमिगैली कर दिया। तो मैंने उनको समझाया कि आप नीचे से जो हवा को रोक रही हैं, जो मूत्र वेग को रोक रही हैं, और वो हवा जाके आपके हार्ट को ये कर दिया, बलून की तरह फैला दिया है। फिर मैंने उनको, उनके हस्बैंड जो है वो क्योंकि संस्कृत जानते हैं, मैंने उनको बताया कि ये हृदय व्यास, व्यास होना मतलब कार्डियोमिगैली होना यह क्या है, तो यह वायु की वजह से हुआ है। तो बोले कि आपका साइंस हमें नहीं समझ रहा, हम आप इनको ठीक करिए बस। तो मैंने कहा कि मैं एक शर्त पे ठीक करूंगा, इनको 3 महीना मेरे पास आना है, शुरुआत में आप गाड़ी से लाइए, और रोज आपका ड्यूटी खत्म होता है आप रोज गाड़ी से लाइए, मैं स्नेहन स्वेदन करके वमन बस्ती दूंगा और मैं नाक में ड्रॉप डालूंगा और मैं इनको गारंटी देता हूँ कि 3 महीना में मैं ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने देखा 1 महीना में उनको अच्छा लगने लगा, जब जैसे जैसे बस्ती देता गए, मात्रा बस्ती देते गए शीर बला तेल का, बस्ती देते देते उनको सांस फूलना का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो बोली कि अरे मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं 1 किलोमीटर चल लेती हूँ, अब मैं दूध लेने भी जा रही हूँ। फिर मैंने कहा कि अब आप क्या करिए, यहाँ हमारे मतलब मैं चंदनगर में रहता हूँ, पुणे में एक विमान नगर है जहाँ सारे एयरफोर्स के लोग रहते हैं, और वो हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैंने कहा कि आप दूध लेने आती है ना, तो आप क्या करिए कि शाम के टाइम 1 घंटा पहले निकलिए और यहाँ तक आइए, ट्रीटमेंट लीजिए और दूध लेके फिर घर जाइए, मतलब 5 5 10 किलोमीटर का आपका वॉकिंग होना चाहिए, और तब ऐसा करेंगी तब आपका ये मेरा इलाज में और अच्छा फायदा होगा। तो वो बोले ये क्या इलाज है, क्योंकि
कि चलना है। मैंने बोला कि देखिए जब मैं तेल का बस्ती दूंगा तो बस्ती देने के बाद वो क्या होता है कि मसल्स को एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, इंटेस्टाइन को भूख लगनी चाहिए। जब ऐसा करेंगी तब इजी वे में मैं आपको 3 महीना में ठीक करूंगा। तो वो बोले कि चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं। मेरे हस्बैंड तो इतना दूर दूर, और उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मतलब वो ना अब क्या है एयरफोर्स का कैसा है कि पीटी परेड करना पड़ता है, अपना बॉडी को मेंटेन रखना पड़ता है सोल्जर्स को, एयरमैन हो या पायलट हो या इंस्ट्रक्टर हो सबको। तो उनके हस्बैंड तो वॉकिंग करते ही हैं, मतलब वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। एयरफोर्स का ऐसा रूटीन है कि सुबह लोग 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे से 5:30 बजे तक बड़ा बड़ा विंग कमांडर हुआ, स्क्वाड्रन लीडर हो गया, एयर कमोडोर हो गया, वो सब वॉकिंग करते हैं। और उसके बाद में 7 बजे ड्यूटी में शार्प पहुंचना है उनको, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, भले पहले पहुंच जाओ लेकिन लेट नहीं आना। टाइम एक 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 सेकंड का वैल्यू रहता है। और फिर उधर जाने के बाद, सॉरी यहाँ पर ये चला गया, लाइट चला गया, लेकिन मैं बताते रहता हूँ। तो वहां ये बताया गया कि वहां 1 मिनट भी लेट नहीं होता। और वहां ये स्ट्रिक्टली ये है कि पीटी परेड करना बहुत जरूरी है, फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उन्होंने ऐसे ही किया, आंटी ने भी किया कि मेरे पति कर रहे हैं मैं भी आऊंगी, अब मेरे को भी अब ठीक होना है, मेरे को जीना है। तो वो आंटी रोज आती थी, ट्रीटमेंट लेती थी, फिर चल के जाती थी। और एक कमाल की बात है कि उनका विल पावर इतना था कि बस्ती लेने के बाद भी वो जब 5 किलोमीटर जाती थी तो उनका होल्डिंग भी रहता था, वो 12 घंटा रहता था। 12 घंटा रहने के बाद जब वो मतलब तेल प्रत्यागम होता था तो पूरा एब्जॉर्ब होते गया, पूरा एब्जॉर्ब होते गया। उन्होंने कहा कि मेरा ज्वाइंट पेन भी ठीक हो रहा है, मेरा यूरिन का भी मुझे अब टाइम पे आ रहा है तो मैं कर रही हूँ। और मैंने उनको सब समझाया पूरा आयुर्वेद के मेथड से, नस से भी दिया मैंने उनको, और इतना कर करके आप लोग को विश्वास नहीं होगा वो पूरा ठीक ही हो गई। अभी तक 2000 अभी ये आ जाएगा, मतलब 22 आ जाएगा, जनवरी फरवरी की बात है, मतलब टोटल 5 साल हो गया। जनवरी में मैंने किया था, 5 साल तक उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी बेहोश नहीं हुई, कोई दवाई नहीं चल रहा है एलोपैथी का ना आयुर्वेद का चल रहा है। 3 महीना में जड़ से बीमारी निकल गया। फिर वो जब ठीक हो गई तो वहां फिर गई AFMC में, जो यहाँ कमांड हॉस्पिटल है, वहां गई कि मुझे चेकअप करना है, क्योंकि हस्बैंड का होता है रूटीन में चेकअप 2-2 महीने में, 3-3 महीने में। इन्होंने भी चेकअप कराया पूरा, उनका हार्ट जो कार्डियोमेगेली हुआ था वो पूरा शेप में आ गया, इतना खुश हो गए वो लोग। और उन्होंने एलोपैथी के डॉक्टर्स को भी बोला कि आपके पास सर इलाज तो था नहीं लेकिन आयुर्वेद से ऐसे से किया। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहा, वो बोले कि ये क्या है कि कार्डियोमेगाली नीचे से तेल डालने से ठीक हुआ, उनका उनको ये कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। लेकिन मेन बात है कि पेशेंट ठीक हो गए। तो वो आंटी आज भी मुझे याद करती हैं, वो अभी हलवारा एयरबेस जो है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, अम्बाला हलवारा, जहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किया था 1973 के वॉर में, 71 के वॉर में, वो पूरा जो एयर स्ट्रिप है उस पर बॉम्ब गिराए थे। तो वहां पर वो पोस्टेड है अंकल, और जो वो अभी सुखोई का ही ट्रेनिंग करते हैं। वहां से मुझे फोन आता है कि डॉक्टर साहब आपने 5 साल पहले आयुर्वेद से मेरी वाइफ को ठीक किया, अभी तक ठीक है, कोई दवाई नहीं। तो ये मतलब मूत्र वेगावरोध, अगर मैंने ये चीज नहीं पढ़ा होता, इस पे नहीं सोचा होता, तो मुझे कार्डियोमेगैली इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझता। इसीलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आप पढ़िए समझिए, और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से क्या है उसको जानना और अप्लाई करना, समझना ही जरूरी नहीं, एप्लीकेशन भी चाहिए। हमारे पेशेंट ठीक होने चाहिए तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमने कुछ तो किया। तो इसलिए मूत्र वेगावरोध से कार्डियोमेगैली तक, हेडेक तक, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। फिर इसमें चिकित्सा क्या बताया है, ग्रंथों में क्या बताया, वही चीज मैंने अप्लाई किया। इसमें बताया है चरक सूत्र स्थान 7th में, जो नव वेगान धारणीय अध्याय है, उसमें क्या बताया है कि स्वेदावगाहना भ्यंगाना सर्पिश्चाव पीड़कम मूत्रे प्रतिहते कुर्या त्रिविधम बस्ति कर्मचा। इतना बढ़िया चीज बताया है कि इसमें अवगाह स्वेद देना है। मैंने उनको तो बोला था लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसमें क्या करते हैं, सिट्स बात लेते हैं, या पूरा कमर तक डुबा के पानी में बैठना है, गरम काढ़े में बैठना है, कोष्ण जल में, ल्यूकोम वाटर में, या काढ़े में या तेल में बैठना है। इससे क्या होगा कि वायु जो है वो ठीक हो जाता है, वायु शमित हो जाता है, वो पूरा एरिया में अपान क्षेत्र पे बहुत अच्छा काम करता है अवगाहन स्वेद। फिर अभ्यंग करना है पूरे एरिया में। फिर उसके बाद में घृत से अपीड़क स्नेह, अपीड़क स्नेह का मतलब क्या है कि 25 ml खाने के पहले घी खाना है, खाना खा के फिर 25 ml खाना है, तो इसको अपीड़क स्नेह बोलते हैं। भोजन पूर्व या भोजनोत्तर यह स्नेह पान कराना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर निरुवस्ति देना है और अनुवासन बस्ती देना है, इससे वायु जो है वो विमूढ़ वायु है, अब यहाँ पर मूढ़ वायु बोलते हैं, या विमूढ़ वायु, वहां जो अंदर अटका हुआ वायु है, बेवकूफ की तरह बैठा है,
बेवकूफ की तरह बैठा दिख रहा है लेकिन बेवकूफ है नहीं, वो व्याधि उत्पन्न कर रहा है, तो उसको अपने रास्ते से निकालना है। शैतान बच्चे को आप घर में रखेंगे या चूहे को आप रखेंगे तो चूहा क्या करेगा, शांत तो बैठेगा नहीं, उपद्रव करेगा। तो इसलिए वायु भी है वो चल गुण से शैतान बच्चा है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। जो मल रूपी वायु है उसको निकाल दिया तो पूरे बॉडी का जो प्राकृत वायु है वो बैलेंस हो जाता है। इसलिए ये चिकित्सा है। और चिकित्सा में क्या बताएं, मूत्र मूत्रोदावर्त है, मूत्र वेग को धारण करने से अगर उदावर्त हुआ है तो क्या चिकित्सा है, तो मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन में मूत्रल दवाइयाँ जैसे गोक्षुर देना है, पुनर्नवा देना है, शिला जंतु के कल्प देना है, जैसे गोक्षुर आदि गुगल दे दिया, एकेरी द्रव्य भी दे सकते हैं, मतलब गोक्षुर पुनर्नवा शिला जंतु ये भी दे सकते हैं, या गोक्षुर आदि गुगल देंगे, चंद्र प्रभावटी पुनर्नवादि गुगुल, उशिरासव पुनर्नवासव, तृण पंचमूल क्वाथ, ये सब देने से 100% पेशेंट ठीक हो जाता है। और संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, सबसे अच्छा चिकित्सा तो यही है संक्षेप में कि निदान परिवर्जन करना है, पेशेंट को काउंसलिंग करना है कि देखिए आपका ये करने से ये बीमारी होता है और आपको हमने ठीक किया, इतना पैसा खर्च हुआ, तो लेकिन आपको अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो ये सब चीज मत करिए। तो इससे पेशेंट अगर निदान परिवर्जन करता है तो स्वस्थ रहता है, नहीं अगर करता है तो आता है डॉक्टर के पास, फिर पैसा खर्चा होता है। तो ये इस तरह से मूत्रोदावर्त करके ये जो है ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताया। इसके बाद आता है जिम्हा निरोधक उदावर्त। जृम्भा क्या होता है ना कि जम्हाई आदि होती है। मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल में जाते थे, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, सीबीएसई बोर्ड, तो कि सब लोग ना जम्हाई नहीं लेंगे, जम्हाई लिया तो फिर एक स्केल से मारती थी वो मैडम, कि क्लास में इंग्लिश के क्लास में मारती थी वो, जम्हाई नहीं लेता है। ऐसा कहीं पर भी ऐसा चीज रहता है कि जहाँ जिम्बा आ रही है, और क्योंकि 7 बजे का क्लास होता था वहां पे स्कूल में जम्मू में, मुझे याद है बचपन का, और फिर 7 से 2 बजे तक का स्कूल होता था केंद्रीय विद्यालय, तो 7 बजे के लिए हमें ना जल्दी उठना पड़ता था ठंडियों में, और जो एयरफोर्स की गाड़ी आती थी, जो शक्तिमान गाड़ी होती थी, उसमें बैठ के हम लोग जाते थे, तो हमें बहुत जल्दी उठना पड़ता था। तो अब बच्चों का नींद तो पूरा होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता था, रात को होमवर्क करो, फिर हर चीज में कुछ ना किसी वजह से नींद पूरा नहीं हो पाता, तो जम्भाई बहुत ज्यादा आता था। और सोने नहीं, टीचर लोगों को पसंद नहीं था कि बच्चे कोई जम्भाई भी ले, नहीं तो कोई सोएगा ना, स्केल से मार पड़ती थी, डर के मारे जिरंभा आ रही है लेकिन रोका जाता था। तो ये जिरंभा वेग जो है ना, इसको रोकने से क्या होता है, इसी तरह से कोई कॉन्फ्रेंस में और कोई अच्छा प्रोफेसर या कोई जैसे राष्ट्रपति कुछ भाषण दे रहे हैं, मोदी भाषण दे रहे हैं, और किसी को जम्हाई आ गई तो उनका मन खराब होगा, फिर मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि जम्हाई आ रही है और वो करो। एक बार मैं लोकल में जा रहा था मुंबई में, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो इतना भीड़ था इतना भीड़ था, एक आदमी ने मेरे मुंह के सामने जम्हाई ले लिया, इतना मुझे उल्टी जैसा मन हुआ ना, और उसने बीड़ी पिया था। तो मतलब जम्हाई रोकना नहीं चाहिए लेकिन ये अति हो गया, मेरे को तो बहुत उल्टी आ गया, मैं जो है वो बता रहा हूँ। तो ये माधव निदान में उदावर्त में ऐसा बताया, उदावर्त अध्याय में बताया कि मन्यागल स्तंभ शिरो विकारा जृम्भोपघात पवनात्मका स्युः तथा क्षीणासा वदनामयश्च भवन्ति तीव्रा स कर्णरोगैः। मतलब मेरे को ये कहना है, जो लोकल ट्रेन का बात है उसमें ऐसा बताया है कि सद्वृत्त में बताया है अष्टांग हृदय में, कि जब भी जम्हाई लेना है, छींक लेना है, तो आप मुंह पे एक रुमाल रखिए, कपड़ा रखिए और मुंह को ढक के ही जम्हाई लीजिए, और छींकना भी है खांसना भी है तो मुंह ढक के करिए, किसी के मुंह पे क्यों करना है, ये तो गलत बात है ना, मतलब अनएथिकल है, वो किसी को अपना इन्फेक्शन क्यों देना है। तो यहाँ पर जिम्भा को रोकने के लिए नहीं बोला है, जिम्भा लेना है लेकिन मुंह ढक के अगर ले लें, चुपचाप ले लें, ऐसे मुंह में ऐसे रखें और जम्भा ले लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिखाई भी नहीं देगा किसी को, और हमारा जिम्भा का वेग भी निकल जाएगा, वो भी दूषित वायु निकलती है जिम्भा के टाइम पे। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जब जिम्भा वेग को रोक दिया तो इससे क्या होता है कि मन्या स्तंभ होता है, मतलब ये जो अपना कमर है ना पूरा, सॉरी गला है ना, इसके मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, मतलब हिलते डुलते नहीं, स्तंभ हो जाते हैं, स्टिफनेस आती है, क्योंकि वायु जो है वो प्रतिलोमित होगा, वायु जो मल रूप से निकलना चाहिए उसको हमने रोक दिया, जिम्भा वेग को रोक दिया, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर वो जाएगा और स्तंभ कर देगा, क्योंकि रुक्ष गुण बढ़ता है, शीत गुण बढ़ता है वायु का, उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तो कुछ ना कुछ बिगाड़ करेगा। उसी तरह से ग्रीवा स्तंभ होता है, मन्या स्तंभ होता है,
मन्या जो संधि है वहां पे ये कर देता है और पूरा ग्रीवा का पूरा ये जो एरिया है उसको स्तंभित कर देता है। और इसके अलावा क्या करता है, तो वातजन्य शिरोरोग कर देगा, नेत्र रोग करेगा, मुख रोग करेगा, कर्ण रोग करेगा, सारी इंद्रियों पे जाएगा और प्राणवायु को विकृत करेगा। यहाँ पे दूषित उदान वायु निकलना चाहता है। वह क्या करेगा, आपने रोक दिया ना तो वो क्या करेगा कि कर्ण रोग, मुख रोग, नेत्र रोग, शिरो रोग, क्योंकि वायु जो है ना वो अच्छा भी है और दुष्ट प्राणी भी है। जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, अगर टेररिस्ट को आपने उनके काम नहीं करने दिए तो वो आपको मार देंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह से वायु को अगर आपने रोका, वायु की गति नहीं किया तो वो अंदर जाएगा और आपका कान में ये कर देगा, अंदर घुस जाएगा और वहां शैतानी करेगा। आंखों में जाएगा तो आंखों में जाके शैतानी करेगा, सिर में जाएगा तो वहां शैतानी करेगा और वहां के रोग उत्पन्न करेगा, वहां इम्बैलेंस करेगा और दोष दुष्ट संमूर्छना करके शिरो रोग करेगा, नेत्र रोग करेगा, मुख रोग करेगा, कर्ण रोग करेगा। तो इसीलिए जृंभा वेग को रोकना नहीं चाहिए। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका ऐसा मिलता है कि उन्होंने जृंभा वेग को रोका है। मेरे पास ना टीवी सीरियल में काम करने वाले बहुत सारे लोग आते थे, 2005 और 6 की बात है, तो वो लोग ना ये हेडेक का प्रॉब्लम होता था, माइग्रेन का होता था, सुनने का प्रॉब्लम होता था, फिर ऐसी बहुत सारी बीमारियां रहती थी। जब मैंने उनसे पूछा तो वो लोग क्या बोलते थे कि हमारा शूटिंग जो होता है वो रात रात भर शूटिंग होता है और हमें ना वहां जम्भाई भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नहीं तो रिटेक होता है शूटिंग करते टाइम, एक एक सीन का कितना बार रिटेक होता है, तो हमें ना रात भर जागना भी पड़ता है, शूटिंग चलता रहता है और जम्भाई आ रही है लेकिन जम्भाई ले नहीं सकते हैं, जागरण भी हो रहा है। तो इसीलिए ना जृंभा वेग से ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैंने चिकित्सा यही दिया जो चिकित्सा बताया है, चरक सूत्र स्थान 7वां में 19 नंबर का श्लोक बताया है कि जृंभाया निग्रहास्तत्र तत्र सर्वम वातग्नम औषधम, मतलब मुख में, हनु भाग में, मन्या भाग में स्नेहन शोधन करना है। मतलब मैंने पेशेंट को दे दिया एक तेल दे दिया, जैसे मुरी वना तेल, कुट्टम चुक्यादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, बला सुगंधादि तेल, शीर बला तेल, दशमूल तेल, धन्वंतर तेल, लाक्षादि तेल, ऐसे बहुत सारे तेल आते हैं। इसमें से कोई भी एक तेल सेलेक्ट करिए। आपके पेशेंट को स्टिफनेस है तो कुट्टम चुक्यादि तेल, पेन और स्वेलिंग है तो मुरी वना तेल, ऐसे कोई एक तेल को सेलेक्ट करिए और पेशेंट को दे दीजिए और उससे पूरा अभ्यंग करना है। कभी कभी महाविषगर्भ तेल देना पड़ता है, जब बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तब यहाँ पे महाविषगर्भ तेल या फिर अणु तेल का नस्य ये सब देना चाहिए। अणु तेल का नस्य, शीर बला तेल का नस्य, ये सब किया ना पूरा ये सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने के बाद जृंभा वेग जन्य जो उदावर्त है, अब यहाँ पर उदावर्त का मतलब ये नहीं कि केवल पेट फूल रहा है, यहाँ पर उदावर्त का मतलब ये है कि पूरे बॉडी का सिस्टम को खराब कर रहा है, ये व्यापक अर्थ में लेना चाहिए उदावर्त को। तो इसीलिए ना ये सब करते हैं। और चिकित्सा में महावाद विध्वंसक रस है, महायोगराज गुगुल है, फिर त्रयोदशांग गुगुल है, लाक्षादी गुगुल है, ये जो गुगुल कल्प रहते हैं वह बहुत अच्छा, वाद गजांकुश रस है, समीर गज केसरी रस है, जो वायु की चिकित्सा है वही वातग्न चिकित्सा करने से जृंभा वेग रोग जन्य जो उदावर्त है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। और केवल ये मत सोचिए कि जृंभा वेग धारण किया तो ऊपर ही प्रॉब्लम होता है, उसका इफेक्ट डाइजेशन पर भी आता है। कहीं पर भी वायु विकृत हुआ तो अग्निमंदे होगा, अग्निमंदे होने के बाद फिर वो अधमान होगा, आटोप होगा और आना होगा, इनडाइजेशन तो रहता ही है। इसलिए एक इंटर रिलेटेड सारा चीज रहता है। इसलिए जिर्मा वेग में दीपन पाचन भी करना जरूरी है, वायु का नुलोमन होना भी जरूरी है। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट है जिनको अग्निमंदता भी थी, डाइजेशन भी नहीं होता, जिर्मा वेग भी धारण किया था, तो मैंने उनको दीपन पाचन और अनुलोमन करने वाली, जैसे एरंड हरित की दे दिया मैंने, कभी कभी मैंने एरंड तेल दे दिया, कभी कभी मैंने त्रिफला चूर्ण दे दिया, कभी निशोत्तर चूर्ण दे दिया, ऐसे अलग अलग दवाइयां, त्रिवित लेहम दे दिया, मणिभद्र लेहम दे दिया, जैसी अवस्था वैसे मैंने चिकित्सा किया। तो जैसे जैसे पेट रोज का रोज साफ होते गया वैसे वैसे उनका स्टिफनेस कम होता गया। नस्य भी दिया मैंने, अभ्यंग भी दिया, नाड़ी स्वेद भी दिया। इन्होंने बोला है कि सर्वम वातग्न औषधम, मतलब सभी वातग्न ही दवाइयां देनी है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके बाद आता है अश्रुजो दावर्त, मतलब अश्रुवेग को रोकने से जो उदावर्त होता है उसके बारे में बता रहे हैं। आप लोग को पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो रोते नहीं है, उनका आंसू आ रहा होता है, दुख में रहते हैं, रोते नहीं है और आंसू को रोक दिया गया तो उनको उदावर्त होता है। उदावर्त का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि पेट फूल जाएगा, उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट मेरे पास आए थे,
और इतना मजा आता है ना, जब हमको बेसिक आयुर्वेद पता रहता है और जब हम चिकित्सा उसी हिसाब से सोच के करते हैं कि हाँ इसका ये उदावर्त है, और वो हिस्ट्री में मिलता है। बहुत सारे लोगों को ना वेगान न धारेत ना उदीरियत, वेगों को धारण भी नहीं करना है, जबरदस्ती निकालना भी नहीं है। जो लोग जबरदस्ती निकालते हैं उनको भी बीमारी होती है, और उसको रोक दिया तो उनको भी बीमारी होती है। ज्यादा रोने वाले लोग जो रहते हैं ना, आप लोगों को पता है एक मूवी था डिम्पल कपाड़िया का, वो जो था रुदाली मूवी था, उसमें बताया गया है कि मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि कहीं पर भी राजस्थान में कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो रोने के लिए औरतों को बुलाया जाता था, उनके घर में आती थी, वो फीस लेती थी और रोती थी चिल्ला चिल्ला के, कि तो उनको रुदाली बोला जाता है। वो मूवी पहला पूरा उसी तरह से है, डिम्पल कपाड़िया का, राजेश खन्ना की वाइफ का। तो और नहीं तो टीवी सीरियल में काम करने वाले लोग रहते हैं ना, उनका सैड स्किन रहता है, क्राइंग स्किन सीन रहता है, तो वो लोगों को ना क्लोरोफॉर्म लगा के वैसा दिया जाता है कि आप रोइए, यही सीन है। और उनको घंटों घंटों शूटिंग शूटिंग का 5 मिनट ही रहता है, मतलब वो जो दिखता है हमें, लेकिन उनको प्रैक्टिस रीटेक रीटेक करके बार बार आंसू गिराना पड़ता है, और वो भी केमिकल क्लोरोफॉर्म लगा के फिर आंसू। तो ये करने से बहुत सारी बीमारियां होती है, या तो अश्रु वेग को रोकना भी गलत है और अश्रु को निकालना भी। वेगान ने धारियत न उदीरियत ये बताया, तो अश्रु जो दावर्त है उसके बारे में क्या बताया है कि आनंदजम याप्यथ शोकजम वा नेत्रोदगम प्राप्न प्राप्तम मुंचतो ही शिरोगुरुत्वम नैनामयाश्च भवन्ति तीव्रासा पीनसेन। मतलब आनंद में किसी को बहुत ज्यादा खुशी हुआ, मैं फर्स्ट आया, मुझे गोल्ड मेडल मिला, या फिर कोई काम अचीव कर लिया, कोई भी चीज से जो आनंद से जो खुशी के आंसू है उसको भी रुकना नहीं चाहिए, वो बहने देना चाहिए। या शोक में कोई शोक लग गया, किसी की डेथ हो गई, सडन डेथ हो गया और आंसू आ जाते हैं, या फिर जो लोग मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते मन दुखी हो गया है, बहुत सारे ऐसे सीन आते हैं, इमोशनल सीन आते हैं, वो देखते देखते आंसू आ रहे हैं लेकिन उसको रोक दिया गया टीवी सीरियल के वजह से। तो ये जो अश्रुजन्य उदावर्त है, अश्रुवेगजन्य उदावर्त, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कॉमन हो गया आजकल, और लॉकडाउन में तो बहुत बढ़ गया। लोगों को बाहर जाना आना था नहीं, और घर में बैठो और टीवी देखो, और टीवी देखो और रोते रहो, वो सब सीरियल देख के मूवी देख के, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अपनी बात तो रख ही नहीं पा रहे थे, और क्या हुआ कि आइसोलेट करके जब रखा गया ना पूरा लॉकडाउन में, कि किसी से मिलना नहीं है, किसी से जुलना नहीं है, किसी के घर नहीं जाना, घर में बैठे रहो, तो उसकी वजह से मानसिक रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब इतना ऐसा अनुभव में आया ना कि, और इतना दिन तक जो लॉकडाउन हुआ उसमें तो पेशेंट बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेशन में रह गए, और खासकर ओल्ड एज में जो थे लोग, उनके सब बाहर आना जाना सब बंद हो गया, तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इसमें क्या होता है कि जब अश्रु वेग को रोक दिया गया तो उसकी वजह से शिरो रोग होता है, प्रतिक्षय होता है। अब यहाँ पर जो लैक्रिमल डक्ट है उसको स्टिमुलेशन मिल रहा है ब्रेन की वजह से, और उसको जबरदस्ती रोक दिया गया, तो वहां से जब वो नाक से पानी जब आएगा, लैक्रिमल ये जो डक्ट है वहां से अंदर से जब आएगा लैक्रिमल ग्लैंड से निकल के, तो उसकी वजह से प्रतिक्षय हो जाता है, वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट रहते हैं। उसी तरह से शिरो रोग रहता है, नेत्र रोग रहता है, आंखों की बीमारियां हो जाती है, बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, रेटिनल पिगमेंटोसा हो जाता है, मैकुलर डिजनरेशन हो जाता है, आंखों से दिखना तक बंद हो जाता है। ये होता है हिस्ट्री में, आप लोग देखिएगा कि जो लोगों ने आंसू को रोका उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब चिकित्सा में क्या बता रहे हैं, चरक सूत्र स्थान 7/22 में बता रहे हैं कि वाष्म निग्रह तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा। मतलब अश्रुजन्य अगर उदावर्त है, मतलब इम्बैलेंस हुआ है और कोई बीमारी हो रही है जिसमें हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, प्रतिक्षय हो रहा है, नेत्र रोग हो रहे हैं, तो उनको पहले तो सुला देना चाहिए। हेडेक हो रहा है तो वहां सो जाएंगे ना, तो उनका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, वही उनका मेडिसिन है, वही थेरेपी है बेस्ट, कि पेशेंट को थोड़ा सुला देना चाहिए। जब कोई किसी का मन खिन्न होता है, अवसादित होता है, डिप्रेशन में होता है, उसको आंसू आ रहे हैं लेकिन उसने आंसू को रोक लिया, जो बोलते हैं ना खून के घुट पी लिया मन, या क्रोध आ रहे हैं, या डिप्रेशन है, रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पा रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पुरुष होते हैं उनको आंसू आते हैं लेकिन वो रो नहीं पाते हैं। समाज में ऐसा रहता है कि पुरुष को रोना नहीं है, औरत रोएंगी, औरत बात बात में रो देंगी, उनका हथियार होता है, लेकिन पुरुष रो नहीं सकते हैं। पुरुष को रोना भी आएगा तो उसको मजबूत रहना पड़ता है समाज में, ये ऐसा मानसिकता है। और जो इंसान पुरुष रो देते हैं उसको कमजोर और कायर समझा जाता है, कि उसको मुकाबला करने की, लेकिन ये बात गलत है, पुरुष को भी अकेले में तो रो देना चाहिए, वो बात छोड़िए वो सब बात। तो उसमें सो जाना बहुत अच्छा है, स्लीप इज मस्ट उस टाइम पे। उसके बाद में मद्यपान करा दें,
जो लोग मद्यपान के अभ्यस्त हैं उनको दे दें, या फिर प्रिय ऐसी बातें करना है, मतलब माइंड को उसको चेंज करना है, मूड चेंज करने वाले बातों को करना, यही चिकित्सा बताया। और दूसरा बात की सारी चिकित्सा बताया, जैसे नस्य दे दिया, बस्ती दे दिया, फिर महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षादेय गुगुल, ये जो गुगुल कल्प है, महावाद विध्वंसक रस, फिर महावाद गजांकुश रस, समीर गज केसरी रस, या वात शामक जितने भी द्रव्य हैं, जैसे देवदार हो गया, बला हो गया, विदारी हो गया, अश्वगंधा हो गया, इनके जो भी मेडिसिन है वह दे दे, तो इससे जो ये प्रॉब्लम है शिरोशूल वगैरह, बस्ती दे दिया, अनुलोमन कर दिया, निरु दिया, अनुवासन दिया, घृतपान कराया, सब चिकित्सा किया ना, तो अश्रुवेद, अश्रु को रोकने से जो उदावर्त है वह ठीक हो जाता है। आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो उसमें हिस्ट्री में लगता है। हम लोग इसलिए पूछते हैं कि आपके घर में किसी की डेथ हुई थी क्या, या आप डिप्रेशन में थे क्या, और आप रोते नहीं थे क्या, तो ऐसा मिलता है कि अश्रुवेग को रोका है और फिर उसके वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद में शवतु निरोधज उदावर्त, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि छींक आ रही है। अभी क्या है कि अभी जब कोरोना टाइम आ गया तो डॉक्टर लोगों ने क्या किया, मास्क लगा दिया, तो फिर छींकना है तो मास्क में ही छींको, लेकिन अभी कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि छींक नहीं सकते हैं और वहां पर अच्छा नहीं माना जाता है। एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था, तो अभी मैंने तो ये देखा था कि छींक को रोकना, मतलब मैं अभी की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब पढ़ रहा था BMS की बात बता रहा हूँ, तो ऐसे मैंने पढ़ा था कि छींकना जो है उसको रोकना नहीं है। अभी मैंने ये दिमाग में ये था कि छींक को रोकना नहीं है। एक बार क्या हुआ कि मैं दिन में सोया और मैं जाके जाने लगा कहीं पर मॉल में, और मॉल में जाने के बाद ना छींक आई जोर से, और लोग बहुत सारे थे, और मैंने हाथ में नहीं ढका और जोर से छींका, तो लोग इतना मेरे से घृणा करने लगे कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए, वो गलत है, कभी भी छींकना है तो ढक के छींकना चाहिए। तो अगर ऐसे कंडीशन में अगर मैं छींक का रोक देता तो मुझे ये सारी बीमारी हो जाती। ऐसे किया जाता है, जब वेगों को रोका जाता है तो क्या होता है, वेगान न धारित न उदीरित, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेग कहीं पर भी निकालेंगे। मूत्र वेग को रोकना गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी यूरिन कर देंगे, ये तो बहुत गलत बात है। मल वेग को रोकना है ये तो आप जाके खेत में जाके कर देंगे, ये तो गलत बात है। मतलब कुछ सदाचार होता है, सदवृत होता है, उस हिसाब से भी हमें रहना चाहिए। गवार जैसा, अन इलिटरेट जैसा काम नहीं करना है, क्योंकि हम सुसभ्य समाज में रहते हैं तो समाज के भी कुछ नियम रहते हैं, उस हिसाब से हमें रहना पड़ता है। जब बताया गया है कि सूर्य की तरफ मुंह करके आप खेत में टॉयलेट मत करिए, यूरिनेशन मत करिए, तो हमें मानना ही चाहिए वो सब चीज। उसी तरह से छींक को रोकने से क्या बीमारी होती है, तो बताया मन्यास्तम्भा शिरा शूलम अर्धित अर्धाव भेद को इंद्रियाणम च दौर्बल्यम शवतो स्याद विधारणात्। इतना बढ़िया बताया कि छींक वेग जो लोग धारण करते हैं, बहुत सारे केमिकल फैक्ट्री में लोग रहते हैं, या फिर लोग ने जो झाड़ू कूड़ा करकट रहता है वहां से जब जा रहे होते हैं, छींक आ रही है उसको रोक देते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि मन्यास्तम्भ हो जाता है, मतलब ये जो भाग है वो अकड़ जाता है, ये भाग और ये पूरा शोल्डर का भाग ये अकड़ जाता है, फिर शिराशूल होता है। फ्रोजन शोल्डर की हिस्ट्री में हमें मिलता है कि उन्होंने छींक का वेग रोका है। फिर हेडेक बहुत कंटिन्यू रहता है, फेशियल पैरालिसिस तक, वायु इतना डेंजरस है कि फेशियल पैरालिसिस तक कर देता है। फिर अर्धाव भेदक, जो लोग कंटिन्यू छींक को रोकते हैं ना उनको माइग्रेन का तकलीफ हो जाता है। फिर इंद्रिय दुर्बलता, देखने में तकलीफ होती है, सुनने में तकलीफ होती है, टेस्ट नहीं आता, लॉस ऑफ स्मेल होता है, तो इसीलिए ना छींक को रोकना नहीं चाहिए। और जो एलोपैथी के कुछ कुछ दवाइयां हैं, मैं किसी साइंस को गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनका साइंस ठीक है, लेकिन जो छींके आती है उसको वो लोग एंटी एलर्जिक, जो ये कुछ कुछ ऐसे ड्रॉप्स दे देते हैं, ऑट्रिविन जैसा वो दे दो और फिर छींके कंट्रोल कर दिया गया, वेग आ रहे लेकिन वो रोक दिया जाता है, जो वायु दूषित निकलना चाहिए इन्फ्लेमेशन की वजह से वह रोक दिया जाए, क्योंकि ऑट्रिन लिया या विक्स लगा दिया, तो इसके वजह से ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको इंद्रिय दुर्बल रहता, लॉस ऑफ स्मेल आ जाता है, फिर लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, फिर हियरिंग लॉस कम होने लगता है, कर्णबधिरता आती है, ये सब दिखता है, क्योंकि वायु जाएगा तो इंद्रियों को सुखाएगा, जो रस का प्रीणन कार्य हो रहा है इंद्रियों के लिए, ज्ञान इंद्रियों के लिए, वह उसको हेम्पर करेगा और उसकी वजह से वहां पे रुक्ष गुण से वो सूखने लगता है, तो इंद्रियों का कार्य अच्छे से नहीं होता, ब्रेन तक वो सारा सिग्नल नहीं जाता, तो इंद्रिय दौर्बल्यता हो जाती है। अब चिकित्सा में क्या बता रहे हैं कि छवतु वेग को अगर रोका है तो चिकित्सा क्या करना है, तो बता रहे हैं कि तत्वोर्ध्वर जत्रु के अभ्यंग स्वेदो धूम सनावना हितम वातग्न माध्यम च घृतम चोत्तर भक्तिकम। छवतु निरोधक जो
उदावर्त रहता है। उदावर्त का मतलब है कि केवल पेट फुलना नहीं है गुब्बारे की तरह, यहाँ इम्बैलेंस होकर जो बीमारी हुई है उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है, हेडेक हो रहा है, अर्धावबेधक हो रहा है, इंद्रियों की दुर्बलता आ रही है। आप लोग के पास पेशेंट आते हैं तो आप पूछिए उनसे कि आंखों से दिखना कम हो रहा है, सुनना कम हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल, तो उनको पूछिए कि छींक आती है तो आप रोकते हैं क्या? पेशेंट 100% हाँ बोलते हैं। तो इसमें तीक्ष्ण अंजन देना है। तीक्ष्ण अंजन में आप क्या करिए, मधु शीघ्र जो रहता है, जो शोभांजन रहता है, उसको पीस के और लगा दीजिए अंजन के रूप में, या फिर सौवीरांजन का प्रयोग कर दीजिए, सुरमा का प्रयोग करिए, जो ये रहते हैं ना सुरमा वाले जो लोग रहते हैं, सुलेमानी सुरमा, उसका अगर प्रयोग कर दिया जाए ना, वो तो सुरमा रहता है, वो तो सलाई को ऐसे डिप करते हैं और आंख में से करते हैं, तो फिर आंखें स्वच्छ हो जाती हैं। क्योंकि चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम्, चक्षु तेजोमय है और उसको श्लेष्मा से भय रहता है, आलोचक पित्त का स्थान है। लेकिन यहाँ पर अंजन करने से क्या होगा कि अश्रु निकलेगा, अश्रु निकलेगा तो सारा वेग निकल जाएगा, उसी तरह वायु जो है वो निकल जाएगा वहां से, जो दूषित वायु है, जो छींक के वजह से रोका गया है, अश्रु के रूप में वो निकल जाएगा और वहां माइक्रो लेवल पे काम होता है। फिर उसी तरह से धूमपान करना है तीक्ष्ण द्रव्यों से, फिर तीक्ष्ण गंध का प्रयोग करना है, जो परफ्यूम रहता है या फ्लावर्स रहते हैं जो उग्र, या लहसुन का स्मेल किया ना, वह भी छींक को रोकने से जो बीमारी है, लहसुन का, प्याज का, हींग का, ऐसा जो सेवन किया, या फिर बहुत ज्यादा है तो जो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि जो कोई बेहोश हो गया तो सॉक्स निकाल के सुंघा देते थे, जो गंदा स्मेल वाला है वो तो अपस्मार के चिकित्सा बताए, यहाँ पर बताया कि तीक्ष्ण गंध वाली चीजों को सुंघा देना है, तो उससे ना बहुत अच्छा फायदा होता है, उससे वायु निकल जाता है, एक बार जोर से छींक आती है। मैंने तो ऐसे बूढ़े लोगों को देखा है कि वो लोग को ना, मतलब उनको आदत था, उनको किसी ने बताया था कि छींक को नहीं रोकना है, तो क्या करते थे वो लोग ना कि कुछ ना ऐसे जो साड़ी का ऐसे रहते ना कॉर्नर, उसको ऐसे करके ऐसे मोड़ मोड़ के और नाक में ऐसे घुसा देते हैं, उससे ना छींक आती है, और छींक आने के बाद उनका पूरा फ्रेश लगता है कि सारा वायु निकल गया, दुष्टि निकल गई। ऐसा मतलब ये अति नहीं करना चाहिए, वेगान धारित ना होती रही, लेकिन अगर छींकने के लिए कुछ चीज दे दिया, जैसे उग्र गंध वाला चीज दिया, या नाक में ऐसे कपड़ा डाल के ऐसे कुछ किया, कुछ ऐसे किया, इंजुरी नहीं करना है, तो वैसे करने से ना छींक जोर से आती है, छींक आती है ना तो पेशेंट को रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह से शिर प्रदेश में स्नेहन करके नस्य देना है, और दूसरा क्या है कि सूर्य की तरफ ऊपर देख के और उसको थोड़ा ऐसे चलने के लिए बोलना है, मतलब ऊपर की तरफ करके तो वायु जो है वो थोड़ा नीचे चला जाता है, और ऐसे ऐसे ऊपर करके देखेंगे ना सूर्य की तरफ तो फिर छींके आ जाती है, वो पूरा वायु निकल जाता है, अंदर से भी निकल जाएगा और छींक के रूप में भी निकल जाता है। इन्होंने बोला है कि सूर्य की तरफ मुंह करके, फिर सूर्य की तरफ देख के और फिर ऐसे ऊपर करके चलना है, तो फिर ऊपर की तरफ देखना है तो बहुत जोर से छींक आती है, जो वायु अटका है वो जोर से छींक के रूप में निकल जाता है। उसी तरह से स्नेह पूर्वक शमन करना है, शमन नस्य का प्रयोग करना है, मतलब स्नेहन करके और जो शीर वाला तेल, घी का नस्य, ये ऐसे शमन नस्य देना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा है अत्तर भक्ति स्नेह का प्रयोग, मतलब खाना खाने के बाद स्नेह पान कराना है, मतलब खाना खाने सब खाना खत्म हो गया तो उनको एक कटोरी घी पिला दीजिए, तो इससे भी छींक से जो आने वाला तकलीफ है, यही बोला है घृतम च उत्तर भक्ति कम, मतलब वातग्नि चिकित्सा तो कर रहे हैं लेकिन खाने के बाद थोड़ा घी का पान करें, और घृत ही बोला है घृतम च उत्तर भक्ति कम, उत्तर भक्ति घृत का सेवन कराना है, तो इससे ना बहुत अच्छा फायदा होता है। वातग्न उपचार में आप बस्ती दीजिए, नस्य दीजिए, अभ्यंग कराइए, कर्णपूरण करिए, शिरो अभ्यंग कराइए, और वातशामक जितने भी द्रव्य हैं, रसकल्प है, गुगुलकल्प है, स्वर्णकल्प है, उनका प्रयोग कराने से ये छींक के रोकने से शौतवेद रोगजन्य जो उदावरते है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैंने अभी तक आज तक 6 वेगों को कंप्लीट किया, आगे हमें 7 वेग और करना है, तो हम कल करेंगे, क्योंकि अभी का टाइम हो गया है, आप लोगों के जो भी प्रश्न उत्तर है उसका उत्तर देना भी जरूरी है, एक ही दिन सब नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ के एक एक पर फोकस करके अच्छे से समझना है कि ये इस तरह से ऐसा होता है तो क्या करना है, यही आयुर्वेद पढ़ने की टेक्निक है कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना चाहिए। जी एक बार क्या हुआ कि मेरे एक जूनियर था, मैं MD कर रहा था, तो एक जूनियर था वो पूरे भारतीय विद्यापीठ में एक ही इंसान फेल हो गया, मैंने उससे पूछा, ऐसे मैंने पूछा कि पढ़ते नहीं थे क्या, चरक संहिता, एक ही इंसान चरक संहिता में फेल हुआ, बोला अरे सर मैंने चरक संहिता आपको मालूम नहीं 51 बार पढ़ा है, मैंने कहा ऐसा क्या पढ़ लिए, तो वो रीडिंग कर रहा था उसको समझ नहीं आ रहा था, पेपर में मैंने उसका देखा क्योंकि हमारे टीचर्स दिखाते थे नंबर काउंट करने में, उसने कुछ लिखा ही नहीं था, तो
ऐसा पढ़ाई का क्या मतलब है कि 51 बार चरक संहिता पढ़े लेकिन लिख ना पाए, उसको समझ ही नहीं आया। ऐसा पढ़ाई नहीं करना चाहिए हमें, न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह नहीं करना चाहिए हमें, तो समझना है एक एक सूत्र, एक एक बात हमें समझना है और फिर पेशेंट में इम्प्लीकेशन करना है, मतलब अप्लाई करना है और समझना है कि ये ऐसा होता है। डॉक्टर पंकज गोयल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रंजिता कश्यप जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रत्नेश दास जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अनमिका जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं प्रैक्टिशनर हूँ तो मैं जो बात बताता हूँ ना अनुभव से, वो आप लोग को जरूर काम आता होगा, इसका आप लोग प्रयोग करिए और आप लोग देखिए कि कौन सा वेग का धारण करने से क्या बीमारी हुई है। ऐसा जब एनालिसिस करना सीख जाएंगे ना तो आपका 100% ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शिकेश मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम। विनय मित्तल जी बहुत दिन के बाद आए हैं, आपको प्रणाम। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर इलिया गडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। शायद मुझे नाम बोलने में समझ नहीं आ रहा, इलाहिया इलाहिया गदे ऐसे नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करिए। डॉक्टर रेणु पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर आकांक्षा जी बोल रही हैं कि प्रणाम सर, वेरी नाइस एंड यूजफुल टॉपिक सर। एक मिनट रुके, आकांक्षा जी का कहाँ चला गया। अधिकतर महिलाओं में स्कूल ऑफिस कॉलेज में मलमूत्र वेग धारण करने से आगे चलकर पुष्य लक्षण गर्भाशय पर आगे कई कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं प्रैक्टिस। आपका बात सही है, ये तो बेसिक चीज़ है आयुर्वेद का, इसको हमें समझना ही चाहिए। डॉक्टर दत्ता प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। इसलिए ये सारा जो है ना नव वेगान धारणी अध्याय, ये सूत्र स्थान में बता दिया, अगर इसको समझेंगे फिर आगे चिकित्सा करना संभव। इसलिए चिकित्सा में चिकित्सा बताते हैं लेकिन ये बेसिक बेसिक चीज, दिनचर्या ऋतुचर्या कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं खाना चाहिए, हमें सद्व्रत कैसे पालन करना है, वेगों को रोकना नहीं है, ये सब सूत्र स्थान में बताया है अपने आचार्यों ने। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शिवम आयुर्वेद जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रोमा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आप लोग आयुर्वेद समझ रहे हैं, आयुर्वेद का यूज करके एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाइड उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए तो मुझे अच्छे लगते हैं आप लोग। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। आपका नाम क्या है? शंकर प्रसाद, वाह क्या नाम है आपका, शिव जी के प्रसाद हैं आप। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी बोल रहे हैं एक पेशेंट एक लीच एक पेशेंट में उपयोग करना चाहिए क्या सर, या दूसरे पेशेंट। हम लोग किस तरह ऐसा बताते हैं कि एक लीच लगा दिया तो 7 दिन तक तो उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि वमन करने के बाद उसका भी संसर्जन क्रम होना चाहिए अग्नि बढ़ने का, और फिर हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें ये मल्टीपल यूज ना हो, एक ही लीच को बहुत सारे पेशेंट में यूज। आप 7 दिन रखिए, 1 महीना के बाद फिर दूसरा यूज करिए, ऐसा सेफ रहता है, नहीं तो उसमें जंतु दुष्टि रहेगा तो वो स्किन डिसऑर्डर फैलने का डर रहता है। इसलिए एक लीच को आप रीयूज करिए लेकिन थोड़े दिन के बाद, मतलब 21 डेज तक तो रुक जाइए और उसके बाद उसका रीयूज करिए। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सरिता निकम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर दर्शन कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर महेश प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। टीथ सेंसिटिव विथ स्वीट शुगर एनी ट्रीटमेंट। महेश प्रजापति जी आप ना सुबह के क्लास में आए, हम लोग गंडूष विधि पढ़ रहे हैं, गंडूषादि विधि अध्याय जो अष्टांग हृदय में बताया है, उसमें बताया है कि बहुत सारे तेल हैं जो स्नेहिक रहते हैं, ब्रिहण करते हैं। आप ना अष्टांग हृदय का क्लास जो 7 बजे होता है, मैं आप पासवर्ड आईडी देता हूँ, उस क्लास में आप आइए तो आपको ये सारे आंसर वहां पे मिल जाएंगे। इसलिए गंडूष और कवल करना वो बहुत अच्छा चिकित्सा रहता है। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर ममता पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं आप लोगों से मिला नहीं हूँ लेकिन तब भी ना आत्मा से आत्मा का जो रहता है ना कि मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग मेरे ही हैं सारे लोग, क्योंकि हम लोग ना एक ही मतलब एक आयुर्वेद के मतलब स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए ना मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों से मैं बात करता हूँ। आप लोग का भी वही चीज़ विचार है कि पढ़ना है हमें, आगे बढ़ना है हमें, बस अपने आप को रोकना नहीं है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं जी। डॉक्टर राम पोखरे जी बहुत दिन के बाद आए सर, आपको प्रणाम। मैं देखिए अपना फ़ोन नंबर दे दिया हूँ, अभी मैं इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड और आईडी देता हूँ, आप लोग फ्री इंटरेक्टिव सेशन होगा
उसमें सभी लोग आइए, आप लोग का स्वागत है। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग के लिए मैं दे रहा हूँ। और दूसरा बात है कि आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम सब लोग और भी दिन भर चर्चा करते हैं। आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप लोगों को फ़ायदा ही करेगा। आप लोग मुझे मैसेज करें अगर व्हाट्सएप ग्रुप आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो। देखिए फ्री इंटरेक्टिव सेशन का आईडी देती है, पासवर्ड देती है। तो अभी 8:15 बजे संभाषा होगी जिसमें सारे वैद्य आएंगे भारत के, और हम लोग एक एक केस पे डिस्कस करते हैं। और वो डिस्कशन से बहुत कुछ निकलता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। 8:15 बजे हम लोग मिलेंगे जूम पे, फेसबुक पे भी चलेगा लेकिन जूम पे आएंगे फ्री इंटरेक्टिव सेशन में, तो आप बात कर सकते हैं हमसे। प्रणाम सभी को।